पेंटिंग का रेफरेंस लेना कभी भी बेस्ट होता है, पेंटिंग लेना है तो हमारी शॉर्ट फिल्म फिलहाल प्रोसेसिंग में है। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी शेयर नहीं कर सकता और आज संडे है और मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने सीजर कहाँ रख दिया है। तो मेरे पास ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स पड़ा हुआ था और इसमें मेरा वर्मी कंपोस्ट चल रहा है। मैं आपको क्लोजली बताता हूँ, बट फिलहाल मैं ये बॉक्स को इसमें डाल दूँगा क्योंकि ये डिकम्पोज हो सकता है और इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। ऐसे कार्डबोर्ड और थोड़े से लीव्स से वो डाल दिए और वर्मी कंपोस्ट कैसा होता है मैं अभी तो नहीं बता सकता, अंदर है बट मैं आपको क्लोजली बताता हूँ। अब ये जो बचा हुआ कार्डबोर्ड है मेरा, ये मैं डाल दूंगा बड़े कंपोस्ट बिन में। यहाँ पे किचन वेस्ट कंपोस्ट है और इसको भी थोड़ा गीला करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी के वजह से चीज़ें डिकम्पोज होती है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और मैंने कुछ पॉट्स में अर्थवॉर्म्स रखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वर्मी कंपोज दिखता कैसा है। जैसे ये पॉट, ये मेरा करी लीव्स का पॉट है, कड़ी पत्ता का। और इसमें देखो ये जो सॉइल का टेक्सचर है, ये अर्थवॉर्म्स के वजह से, ये वर्मी कोलाइड बोलते हैं, मतलब जो पूप करते हैं अर्थवर्म्स। तो मैं इसमें ऐसे कुछ लीव्स रखे जो वो खाते हैं और ये चीज़ डिकम्पोज हो जाती है। ये अर्थवर्म वाला पॉट है, इसमें भी अर्थवर्म है और इसके अंदर भी मैंने कल ही डाला हुआ है, तो इसका सॉइल में इतना डिफरेंस नहीं है। और जिस सॉइल में अर्थवर्म्स होते हैं वो मैं बताता हूँ। ये देखो ये सॉइल, इसमें अर्थवर्म नहीं है तो इसका टेक्स्चर अलग है, देख लो। और जो मेरा नीम का प्लांट है उसके अंदर भी अर्थवर्म है। ये नया लेयर सॉइल का मैंने डाला, बट इसके नीचे के लेयर पे ये देख लो, ये अभी मैंने अभी नया लेयर डाला हुआ है इसमें। और ये देखो, इस सॉइल में अर्थवर्म नहीं है। तो अभी ऐसा हुआ, मैंने बहुत बकबक की है बट कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया नहीं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं अर्थवर्म वाली सॉइल्स अलग होती है जिसमें मैंने आपको दिखाया अभी, और बिना अर्थवर्म वाली अलग होती है। आज इतना कुछ करने के लिए है नहीं, इतना कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो ये व्लॉग बस इतना ही, मतलब थोड़ा सा ही कुछ मैं शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं एक झाड़ का प्रूनिंग कर दूंगा और जो नेक्स्ट व्लॉग है कल का वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल मैं मीटिंग्स के लिए बैठने वाला हूँ शॉर्ट फिल्म की। मैं ज़्यादा चीज़ें फ़िलहाल शेयर नहीं करूँगा क्योंकि इन प्रोसेस है ना, मतलब प्रोडक्शन में आ रही है, अभी तक फुल फ्लैश प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ, तो थोड़ा तुम लोग भी समझ लो। और ये पूरा लास्ट वीक मेरा बिजी रहा है तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पाया, सो सॉरी फॉर दैट, मतलब एक्सक्यूज ही नहीं, बस बता रहा हूँ एक चीज़। और आगे और मैं थोड़ी थोड़ी मतलब चीज़ें शेयर करूँगा जो क्या बोल सकते सेल्फ कॉन्फिडेंस या ऐसे के रिलेटेड, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इफ तुम लोग को देखना है तो अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए इट्स योर चॉइस। तो मैं प्रूनिंग कर लेता हूँ। और ये जो प्रूनिंग से लीव्स निकली है ये सब भी ऐड होगी कंपोस्ट में इस तरह, क्योंकि हमारे पास बहुत जगह है फिलहाल, ये पूरा भरा हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इफ़ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर लो, नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट योर थॉट्स एंड बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट। नेक्स्ट व्लॉग देखना।